हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राणा स्किन कॉर्नर। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और आसान सी रेसिपी, बच्चों की पसंद पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी। इसे बहुत ही इजी स्टेप में बताऊँगी, आप घर पर झटपट से विदाउट ओवन के कैसे बना सकते हैं। हम अक्सर पिज़्ज़ा बेस बाहर से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है ये घर पर कितने आसानी से बन जाता है। ओनली 30 मिनट्स में ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ईस्ट ले लिया है, ड्राई एक्टिव ईस्ट है, 1 टेबल स्पून मैं भर के लूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर इसका खुराक रहता है, ये डालने से तुरंत एक्टिव हो जाता है। और थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करेंगे। गुनगुना पानी देने के बाद चीनी और ईस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी और ऐड किया मैंने। इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए रख देंगे एक्टिव होने के लिए। देखिए 15 मिनट्स हो गया, ये अच्छे से एक्टिव हो गया है। देखिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए अच्छे से एक्टिव हो गया है। अब मैं इसमें छलनी एक रखती हूँ, इससे 2 कप भर के मैदा डालेंगे, 2 कप यानी 500 ग्राम इसको अच्छे से छान लेना है। ये अच्छे से छान लिया हमने। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चीनी और 3 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। सब दे के अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आइए, 1 कप मैंने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के एक स्मूथ सा स्टिकी सा डो तैयार करना है। ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, एक दफ़ा पूरा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। उसे डाल के देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था, आधा से ज़्यादा लग गया, थोड़ा बचा। अब मैं इसको और 1 टेबल स्पून ऑयल और डालूँगी। इसको हल्के हाथों से डो को हल्का सा निचाड़ लेना, हल्के हाथों से, ज़्यादा देर नहीं, थोड़े देर में ये हो जाता है। देखिए ये हो चुका है। देखिए मैं इसका डो का दिखा रही हूँ टेक्सचर। देखिए इसको मैं दाब रही हूँ और फूल के ऊपर आया, यानी कि परफेक्ट डो तैयार हुआ है। बस इसको रेस्ट करने अभी नहीं रखना है। सब डो को मैं इसमें थोड़ा सा सरफेस पे मैदा छिड़क के बस इसको इक्वल भाग में बांट देती हूँ। अब देखिए इसका लोई बनाने के लिए अब ध्यान रखिएगा कैसे बनाना है। ऊपर से अंदर की तरफ पॉकेट की तरफ इसी तरह आप कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए नीचे की तरफ ले जाना है और इसका पॉकेट बंद कर देना है। बस हल्के हाथ से देखिए लोई तैयार हो गया। इसी तरह मैं दूसरा को करूँगी। देखिए इसका डो तो परफेक्ट बना है, एकदम स्टिकी वाला हुआ है। हाथ में ज़्यादा लगे तो जैसा मैदा लगा लीजिए हाथ में, जैसे मैं लगा ले रही हूँ। देखिए इसको अच्छे से नीचे की तरफ ले जाना है ऊपर से और पॉकेट को इसको बंद कर देना है। देखिए इसी तरह तैयार हो गया दूसरा लोई भी। सबको उसी तरह कर लेना, ऊपर से नीचे की तरफ इसको ले जाना है। देखिए इसी तरह आधा केजी मैदा से, यानी 500 ग्राम मैदा से 5 लोई बन गया है, यानी 5 बेस बनेगा पिज़्ज़ा का। और थोड़ा सा मैं सरफेस पे मैदा छिड़क लेती हूँ, इसको हल्के से बेल लेती हूँ।
देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अगर आपको लगे कहीं पर मोटा कहीं पर पतला है तो ये बटर पेपर रख के, अब मैं इस पर रख के हल्का सा फिंगर से आप इक्वल कर लीजिएगा। ये मैंने भी कर लिया है, इसी तरह मैं दूसरा को भी बेल लेती हूँ। हाथ से वैसे ऐसे से कर दे रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि इसका डो जो हुआ है स्टिकी हुआ है, लेकिन मुझे जल्दी थोड़ा करना है इसलिए मैं बेल ले रही हूँ फिंगर से। उसी कलर फिर मैंने बटर पेपर ले लिया है, उसको पहले से ग्रीस कर दिया है। देखिए फिंगर से इसको इक्वल कर देना है। बस ऐसे ही घुमा के आप, लगे कि कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, फिंगर के हेल्प से इसको इक्वल कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने कर लिया है। इसी तरह मैंने 5 बेस रेडी कर दिया है। अब इसमें फोक से थोड़ा इसमें छेद कर दूंगी कि सेकने में ये अच्छे से सेका जाए। इसको कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी। मैंने एक दुपट्टा से कवर किया है कि अगर कोई भारी सामान से करेंगे तो दब जाएगा। देखिए 10 मिनट्स बाद देखिए थोड़ा सा ये बेस उठ गया है। देखिए 5 मिनट्स में ये प्री हीट हो गया है। अब मैं इसको इस पर डाल देती हूँ। देखिए ज़्यादा देर नहीं हुआ, सिर्फ 1 ही मिनट के बाद देखिए हल्का हल्का सेक रहा, फिर इसको कवर कर दे, थोड़ा और सिकाएगा। अब आँच धीमी ही रखिएगा, देखिए धीमी आँच। ये देखिए लग रहा है कि अच्छे से हो गया, मैं इसको उठा के देखती हूँ। देखिए ये अच्छे से सिका गया, सिर्फ 2 मिनट्स लगा। इसी तरह मैं दूसरा भी उसमें डाल देती हूँ और आँच को धीमा ही रखिएगा। देखिए ये भी पूरा अच्छे से सिका रहा है। देखिए ये अच्छे से हो गया, मैं उठा के दिखा देती हूँ। देखिए बटर पेपर से उठ गया है, देखिए अच्छे से सिका गया है, देखिए सब सिका गया अच्छे से। और एक कप मैं थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस लगा के बता देती हूँ, पिज़्ज़ा को बना लेना है एक बार। और फ्रेंड्स, बाहर के बेस से अच्छा घर का बेस ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो कहूँगी फ्रेंड्स, आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। सबसे अच्छी बात, आप इसे 5 से 6 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए मैंने इस पर पूरा पिज़्ज़ा सॉस घर ही में होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है, और इस पर चीज़ थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा ग्रेट कर देती हूँ चीज़ को। और अपने हिसाब से जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो डाल दी, मैं थोड़ा कैप्सिकम डाल देती हूँ। ये मैंने सब्ज़ी डाल दिया, कैप्सिकम है, टोमेटो है और ओनियन, और ऊपर से चाट मसाला छिड़क देती हूँ। चाट मसाला, ब्लैक पेपर ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, उसके ऊपर थोड़ा सा और ग्रेट करके मैं चीज़ डाल दे रही हूँ। अब थोड़ा सा और इस पर चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। उधर मैंने 5 मिनट्स के लिए प्री हीट करने पैन रख दिया था। देखिए ये रेडी हो गया बेक होने के लिए। देखिए 5 मिनट्स के लिए मैंने पहले ही प्री हीट करने रख दिया था। देखिए प्री हीट हो गया है, बेस को रख के इसको कवर कर देंगे। देखिए ये 10 मिनट्स हो गया है। देखिए 10 मिनट्स बाद ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। देखा ना फ्रेंड्स, कितना झटपट से और आसानी से पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर खाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि आप डोमिनोज से भी अच्छा पिज़्ज़ा घर पे बना के खा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।